शंघाई वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। उसे अपर और लोअर पोर्ट कहा जाता था। ओपियम वॉर के बाद क्विंग गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के साथ पहली अनइक्वल ट्रीट साइन की। सन 1843 में शंघाई एक ओपन सिटी बन गया। फॉरेन पावर्स ने कंसेशन एस्टैब्लिश किए, खुद के ट्रेडिंग पोर्ट्स के साथ, उनके खुद के राज्य और बैंक्स के साथ। शंघाई शहर को ईस्ट का नंबर वन शहर कहा जाने लगा, रोमांच की जगह कहा जाने लगा। 1905 में सारी बड़ी शक्तियां शंघाई में एकजुट हुई। क्विंग का शहनशाह बेबस था, लोकल गैंग्स काफी एक्टिव हो गए थे और आपस में भिड़ने लगे। उसी साल मुझे नदी के उस पार बेच दिया गया, शहर के बीचों बीच। लॉर्ड चैंग, जहाज आ गया है। आपने जैसे कहा था, हमने आदमी लगा दिए हैं। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। वो रेवोल्यूशनरी अलायंस का है, हमें बचकर रहना होगा, खबर देते रहना। चलो चलो अंदर से आओ। क्या कर रहे हो तुम यहां पर? एक अपराधी को पकड़ने के लिए। रुक जाओ मिस्टर हुआंग, लॉर्ड चैंग ने हमें आपको बचाने के लिए भेजा है। इसे देखा है? हाँ बता दो सर। हेलो
बहुत मजा आया होगा ना। पिछली बार अरे आ गया। आपका स्वागत है लॉर्ड चैंग। आपका स्वागत है माय लॉर्ड। पधारिए। आप बहुत दिनों के बाद आइए आइए। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कमांडर सॉन्ग, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? शंघाई में लॉर्ड चैंग ही रूल बनाता है, लेकिन मैं अपने रूल बनाता हूं। लोग आजकल सिर्फ आजादी की बात करते हैं। रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है माय लॉर्ड। गुदगुदी हो रही है। अब तुम्हारी चाल। मेरा ड्रैगन चलिए ना। लगाओ जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो यार? ये काफी बदबूदार था। बदबू नहीं, इसे खुशबू कहो। ये खुशबू हर किसी के जीभ में नहीं होती। वो संभाल कर। चलो तुम्हारी बारी बारी है, जल्दी खेलो। बहुत करो। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। खेल रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हें ना पकड़ ले। चल रहा है। तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। हरी मैं तो हारे ही जा रहा हूँ। हरी मेरे उस तरफ क्यों जा रही है? इधर देखो। रुको, क्या कर रहे हो? उसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। रुको। अरे क्या यही है वो नई वाली? ये तो सचमुच कमाल है। है तो अच्छी। 700 800 900 1000 1300 1400 1500 वो 1600 ये लड़की मेरी हुई। लॉर्ड चैंग, वो कमांडर नई लड़की के पीछे पागल हो गया है। वो उस लड़की के लिए सोने की ईंट दे रहा था। पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। वो मुझसे 20 सोने की ईंटें ले गया था। ए, रुक रुक जा। क्या ये? इससे मारेगी तू मुझे? मार पाएगी मुझे इससे? तेरे लिए एक सोने की ईंट दी है, अब मान जा। देख नहीं तो पछताएगी। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। हाँ देख दे उसे और चल मेरे साथ। कमांडर स्वांग, प्लीज नाराज मत होइए। ये यहाँ नहीं है, तो यहाँ के रूल्स नहीं पता। सुनो, ये मुझे छू रहा था। तू हट। माफ कीजिए लॉर्ड, गुस्सा मत कीजिए। शांत हो जाइए। लॉर्ड से कैसी बात करनी है? तमीज नहीं है तुम्हें? अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। देखो, अंदर जाओ और लॉर्ड को खुश कर दो। यहाँ खड़ी मत रहो। खड़ी हो जाओ और लॉर्ड के साथ जाओ। जल्दी जाओ। बेवकूफ। कमांडर सॉन्ग को उनकी सोने की ईंट वापस करो। जी लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, कैशियर आपकी ईंटें वापस दे देगा। नहीं, दो सोने की ईंटें नहीं। ठीक है, लॉर्ड चैंग के सम्मान में। मैं नहीं जानती थी कि जिस इंसान ने मुझे बचाया था
वो लॉर्ड ऑफ शंघाई था और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। लॉर्ड, आपने कमांडर की इंसल्ट की। जरा उन पैरों को तो देखिए, कितने बड़े और गंदे हैं। ये लड़की सिर्फ साफ सफाई करने के लिए ही पैदा हुई है। ये लड़की तो गा भी नहीं सकती, और ये बातें कैसी करती है, सुना आपने? मैं कह रही हूँ ये लड़की किसी काम की नहीं है। बहुत हुआ, इस पर और गुस्सा मत निकालो। अपने जूते पहनो। वो तो मैं थी जिसने इस पर तरस दिखाकर इसे यहाँ ले आई। माय लॉर्ड, ये दिखने में छोटी है और मेरी बात मानिए, ये कुछ काम की नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना अपने पैरों को बांध कर रखने के लिए, पर फिर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत नाटक करती हो ना तुम। अब जाओ और जाकर बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। जाओ जल्दी। रुको। ये लड़की आज से मेरे साथ रहेगी। पर लॉर्ड, एक बड़े पैरों वाली लड़की, सारा शहर आप पर हंसेगा। लॉर्ड, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं यहाँ पर, उनमें से किसी को चुन लीजिए। मेरी बात मान लीजिए लॉर्ड, ये लड़की आपके किसी काम की नहीं। मुझे बड़े पैर पसंद हैं, और काटने वाली बिल्लियां भी। इसने सॉन्ग को उसकी औकात दिखा दी। मुझे पसंद आई। मगर लॉर्ड, इस लड़की को मनाना इतना आसान नहीं है। पर ये आपको पसंद है तो ये आज से आपकी हो गई। मैंने जो कह दिया कह दिया, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। माय लॉर्ड, ये लड़की आज से आपकी अच्छे से खातिरदारी करेगी। अगर आप चाहे तो इसे अपनी नौकरानी बनाकर रखिए ना लॉर्ड। ये यही रहेगी। ओ लॉर्ड, पर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैं इसे यहाँ पर नहीं रख सकती लॉर्ड। ठीक है लॉर्ड, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आखिर आप हमारे लॉर्ड हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए। तुमसे किसने पूछा क्या चाहिए, बेवकूफ कहीं। तो बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या? आराम से संभाल कर ले आइए। हाँ, यहाँ से। हाँ, इन्हें ऊपर रख देना। केसिया, तुम्हें यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तुमने सबका दिल जीत लिया है। लॉर्ड चैंग मुझसे कब मिलेंगे? वो शंघाई तक आपको पहुंचा देंगे। आजकल बीमार हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि थोड़ा सब्र रखें। एक ऑर्डर मेरे लिए भी। वांग पियू, आज तुम मेरे हाथों से कैसे बच पाओगे? सातवां भाई, सॉन्ग ने उसे मार दिया। मैं टालने की कोशिश कर रहा हूं और वो मुझे भड़का रहा है। वो चाहता है कि मैं
खुलकर सामने आ जाऊं। हॉन्गमैन का सातवां भाई मारा गया। फिलहाल चैंग मुझे नहीं देखना चाहेगा। वैसे भी काफी देर हो चुकी है और हॉन्गमैन ने अभी तक कोई पहल भी नहीं की है। जेंटलमैन, हम जितनी देर करेंगे मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी। मैंने सुना है चैंग वहाँ एक लड़की के प्यार में पड़ गया है। अच्छा, आखिर वो लड़की है कौन जिसने उसका दिल जीत लिया है? जरा देखो तो, ये कितना सुंदर है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। मेरे पास भी है। आपने फिर मिस कर दिया लॉर्ड चैंग। ये नए हथियार मेरे किसी काम के नहीं। इससे बेहतर तो अपने पुराने हथियार हैं। लॉर्ड चैंग, जरूरी बात है। केसिया को अगवा कर लिया है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखिए, मैं लॉर्ड चैंग की अमानत हूँ। अभी दो दिन भी नहीं हुए और तुम लॉर्ड चैंग की अमानत हो गई। मैं छोड़ूंगा नहीं। हर्षे रंजन में ठाणी क्यों? रुको, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने हुआंग फियू को देखा था। वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था अपने उन काले चश्मों में। मुझे उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, पर जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसके हाथ बहुत मुलायम पर ठंडे थे और उसके हाथों में बहुत ताकत थी। लॉर्ड, इन्होंने मुझे बचाया। मैं हुआंग पे ही हूँ। मैं केवल कासिया को लौटाने आया हूँ। अब जब वो लॉर्ड चैंग के साथ है तो मेरी कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड चैंग, बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस लायक नहीं हूं, ऐसा करना सही नहीं है। बिना बुलाए आने की गुस्ताखी, तुम मेरे कानून को पहले ही तोड़ चुके हो। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, इसे तुम मेरा बड़प्पन समझो। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। जरा प्यार से।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सीरियस हूँ। तुम सीरियस हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शंघाई की क्वीन हूँ। मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं कर सकती। आपके ये बाल बहुत ही सुंदर हैं। मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगी। और आप मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मेरी माँ के भी बड़े पैर थे। मैं भी शंघाई से नहीं हूं। सुनो, तुम कहां चले गए थे? अंदर आओ। मैं दांत से नहीं काटता। याद रखो, कोई भी लॉर्ड की लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकता। वैसे तुम्हारी मां ने मरने से पहले मुझे बताया था, तुम्हारे पिताजी एक विदेशी सेलर थे। मूर्ख रहना कभी अच्छी बात नहीं होती। हांगमैन में रहने के लिए तुम्हें यहाँ लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। लॉर्ड चैंग कहाँ है? बताओ, बताओ अभी। ईस्ट में पहला कमरा। मैं किसी से नहीं डरती। मैं कुछ दिन नहीं आया, ये मत पूछना क्यों। आप नहीं आए मतलब आप काम में व्यस्त होंगे। इतनी छोटी उम्र में तुम बहुत कुछ जानती हो।从今往后我天天来。कार निकालो जल्दी जल्दी हटो।
लॉर्ड चैंग, ये ब्लू ड्रैगन का आदमी है। गाड़ी चलाओ। चलाओ। लॉर्ड सांग, सब साफ हो गया। वो शान का आदमी था, ब्लू ड्रैगन नंबर 2। वो कमांडर शांग के लिए जासूसी का भी काम करता था। पेशेंट के परिवार से कौन है? कौन है उसके परिवार से? हमने गोली निकाल दी है, थोड़ा खून बह गया है, अभी पेशेंट को होश नहीं आया है। लॉर्ड, लड़की की जिंदा रहने की इच्छा शक्ति बहुत है, इसे ऊपर वाले ने ही यहाँ भेजा है। खबर फैला दो, उनको लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूं। कुछ देर के लिए उन्हें खुश हो लेने दो। लॉर्ड शैंग, काम हो जाएगा। वो लोग आपसे जंग चाहते हैं। मार दो, किसी को मत छोड़ना। आ गए। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? चलो। हांगमैंग के लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अच्छा, अभी। इस वक्त कौन आया है? कमांडर सॉन्ग ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। Thank you.
कबाब से पका हाथ लीजिए। तुम्हें कमांडर शांग, लॉर्ड चांग ने तुम्हें जिंदगी उधार दी है, वो उसे कभी भी वापस ले सकते हैं। लॉर्ड चांग से कहना कि हम कल दोपहर बाद मिलेंगे बैंक शांग में। इसे प्लम ब्लॉसम कहते हैं, एक सवाल हजार जवाब। आज रात मौत का तांडव होगा, उसकी वजह सिर्फ तुम होगी। इसे गौर से देखो, ये सोंग यांग सरकार की निशानी है। तुमने मुझे मारने का फरमान दिया। ये सब झूठ है। लॉर्ड चांग, आपको मेरी एडवाइस है कि मिस्टर वॉन्ग के साथ अगर आप हाथ ना मिलाएंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। हॉन्ग के लोगों का हमारे अलायंस से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मैंने कुछ किया तो मौत की नदियां बह जाएंगी। आज तुम्हारी जिंदगी एक इंसान की वजह से बच गई, ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा कर सको एक औरत की वजह से। तो क्या आप हमें समझाएंगे? उसने मेरे लिए अपने ऊपर गोली खाई ताकि मुझे बचा सके, लेकिन शुक्र है वो अभी जिंदा है, वरना मैं तुम्हारी सारी पीढ़ियां खत्म कर देता। युद्ध शांति, क्या चाहिए? फैसला हो जाए। हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां और ताकत होती हैं, और क्योंकि हमें यहां पर मेयर साहब ने बुलाया है, इसलिए हम सबको इन्हें इज्जत तो देनी ही होगी, क्यों? तो लीजिए, आप सबके लिए मैं अपने हाथों से चाय पिलाता हूं। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बस इतना ही, इतना ही। और ये भरा मैंने अपना कप। चलिए आप सब भी शुरू कीजिए, आइए साथ में पीते हैं। वाह। हुआंग से बात करो। जी माय लॉर्ड। हॉन्गमेन के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। एक गलती और तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वो चाय पर बुलाकर मुझे परखना चाहते हैं। अगर तुम लॉर्ड चांग को काबू नहीं कर सके तो उनकी जगह तुम्हें किसी और को लाना होगा। कमांडर, हुआंगफियो का पता चल गया है। यात्री, तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे सही रास्ता दिखाइए। किसके लिए? देश के लिए। उसमें काफी समय लगेगा। चाहे कितना भी समय लग जाए। लॉर्ड चांग ने मुझे टी प्लेसमेंट का तरीका समझाया था। मैंने कभी भी उसका इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। मिस्टर वांग ने मेरी जान बचाई थी, मैं उन्हें कैसे मरने देती। बहुत बढ़िया, तुमने बेहतर तरीके से किया, बुद्धिमान हो। मिस्टर चांग, मैं अपनी ओर से यहां आपके लिए दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आया हूं, इसे स्वीकार करिए। कितनी चाय बनाई है? तीन। होंग के लोगों के लिए हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जिन्हें आज की दुनिया के बारे में समझ है। मेरी खुशनसीबी। अपने मास्टर से कह देना मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुझे समझ पाते हैं। अगर तुम्हें शक्ति मिले तो तुम उसका क्या करोगे? तानाशाही का खात्मा स्वराज की स्थापना के लिए। माय लॉर्ड, मिस्टर हुआंग के ड्राइवर का मर्डर हो गया है। हम लोग पीछे से जाएंगे, वहां उनके आदमी भी। मार दो सबको। याद रखना, हुआंग को कुछ ना हो। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। जल्दी आओ, जल्दी आओ, लॉर्ड चैंग को मदद चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, लॉर्ड चैंग को मदद चाहिए। चलो। मिस्टर चैंग, गाड़ी में चलिए। आगे बढ़ो, किसी को मत छोड़ना।
देखकर चौंक गए। तुम्हारे आदमियों ने गोली चलाई तो पहले तुम मरोगे। लॉर्ड चैंग, मुझे सिर्फ वांग चाहिए, जिंदा या मुर्दा, और वो मेरे साथ जाएगा। ये नहीं हो सकता। हथियार नीचे करो। ठीक है, अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मंजूर। अरे वाह, बहुत अच्छे। ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ये मैंने क्यों किया। Ah!
想要就想自我给清掉。小野贵，你要好好活。警察，我找到了。अंदर जाकर खोजो, एक एक को बाहर निकालो, कोई भी विद्रोही बचना नहीं चाहिए, बाहर निकालो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? चुप कर। मम्मा, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों को जेल में डाल दो। नहीं, छोड़ो मुझे। रुको रुको, ये कौन है? छोड़ो इसे। ये तुम्हारी कौन लगती है? देखिए, ये मेरी पत्नी है। क्या ये सच कह रहा है? हाँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। लेकिन ये औरत कैदी है, छोड़ो इसे। सर प्लीज समझिए, आप ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रॉपर्टी के पांचवें हिस्से पर हमारा अधिकार है। देखो, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अब अपने सैनिकों को लो और दफा हो जाओ। क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि इस घर के पांचवें हिस्से पर इसकी हुकूमत है। ये जमीन हमारी है, कोई बाहरी आदमी यहाँ नहीं आ सकता। सिपाहियों, इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। तुम और चाहते हो? नक्शा लाओ, हम इसका बंटवारा करेंगे। यस सर। ज्ञान बड़ी मुसीबत में फंस गया है। युकियांग, तुम्हें यहां खून के इल्जाम में लाया गया है। तुमने जो अपराध किया है उसके पीछे क्या वजह है बताओ? तुमने लॉर्ड मेयर को क्यों मारा? तुम सवाल को समझ रहे हो? वो एक भ्रष्टाचारी था, वो इसी लायक था। और आपको मुझे मौत की सजा देनी है तो दे दीजिए। हमारी हिम्मत कैसी हुई? चलो चलो चलो, जल्दी चलो। उस दिन मैंने अकुई को आखिरी बार देखा। वो हुआंग के लोग थे जिन्होंने उसे बचाया था। तब मैं मैडम शिंग का घर छोड़कर अपने घर पुडोंग चली गई। आज की ये जो रात है वो जश्न की रात है। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कल जापान के लिए निकलना है, समझे? हॉन्गमैन की गद्दी खाली नहीं रह सकती। मास्टर हुआंग उसी खानदान से है, उसी वंश से है। हॉन्गमैन की गद्दी संभालने के लिए वही सबसे सही दावेदार है। हॉन्गमैन को यही संभाल सकते हैं। पर लॉर्ड चांग ने कोई वसीयत छोड़ी है? लॉर्ड चांग हमें जल्दी छोड़ गए। हम जानते हैं कि उनकी इच्छा क्या थी। हम मतलब हम में कौन कौन है? ये मैं जानता हूँ, केसिया जानती है और मैडम शिन जानती तो है। कैसिया भी जानती है। मैं तीसरे नंबर पर हूँ, लेकिन मुझसे ये छिपाया गया। मिस्टर हुआंग, कृपया स्वीकार कीजिए। मास्टर हुआंग, मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूँ।
मास्टर हुआंग। मास्टर हुआंग, मास्टर हुआंग, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो ब्रदर फ्यू, तुमने बहुत ही अच्छी चाल चली है। तुम से यहां हमें योला होममन जिसे ची यी चंग दाबान ला। तुम भेड़ की खाल में सिर्फ एक भेड़िया हो। अब तो तुम भी मेरी तरह एक भेड़िया ही बन गए हो, समझ गए? आज हम सब लिली के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग यहाँ मेरी बेटी के जन्मदिन पर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस्टर लू, मिस्टर यू, प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप दोनों रिलेटिव हैं, मेरी बात सुनिए, एक दूसरे को मारिए मत, हैं? मिस्टर यू, मिलकर खुशी हुई, फिर मुलाकात होगी। जितना मैं तुमको जानती हूँ, मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे। थोड़े दिनों पहले जब मैं गुजर रहा था, मैंने कैसिया नाम पढ़ा, मुझे लगा कहीं वो तुम ही तो नहीं। ओ अच्छा, हाँ। तो कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ ही दिनों पहले जापान से लौटा हूँ, बस तब से तुमसे ही मिलना चाह रहा था। अच्छा,
मैंने तुम्हें आखिरी बार कोर्ट के बाहर देखा था किसी बग्घी में जाते हुए। उस बात को 10 साल हो गए। हाँ, सही कहा आपने, काफी वक्त बीत गया। जिसको तुमने अभी मारा, क्या तुम उसे जानते हो? वो एक बेवकूफ आदमी था जिसमें बिल्कुल तमीज नहीं थी। उसके पिता मिलिट्री कमिश्नर हैं, जनरल ल्यू। पापा, पापा! अंकल, पापा, बाहर जाओ। पापा, आपको इस बारे में कुछ करना ही होगा। तुम वापस आ गए? हेलो, कैसी हैं आप? वो अंदर है। हाँ, जाओ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इतनी भी क्या जरूरी बात है? मेरा झगड़ा हो गया यहाँ के मिलिट्री कमिश्नर के बेटे से। ऐसा किस लिए किया? कैसिया के लिए। कैसिया के लिए किया? जेंटलमैन, हम यहाँ की सारी जमीनें खरीद लेना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मिस्टर हुआंग, मैडम जाओ। मिस्टर हुआंग, मुझ पर आपका एहसान है। 10 साल पहले आपकी एक नजर ने मेरी जान बचाई थी, मैं वो भूल नहीं सकता। मैडम जाओ, या फिर कहूं कासिया, मुझे आपकी काफी वक्त से तलाश थी। पर आप तो हॉंगमैन ट्राइड के मास्टर हैं और सिटी काउंसिल डायरेक्टर, शंघाई के लॉर्ड। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि अब लॉर्ड ऑफ शंघाई के लिए बिल्कुल ठीक है, हमेशा से थी और आगे भी रहेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लॉर्ड और शंघाई की बीवी बनूंगी। हुआंग ने मेरी सुरक्षा का वादा किया जैसे लॉर्ड चांग ने किया था। मुझे बिना बताए उसने मेरे सारे कर्ज चुका दिए और मेरी परफॉर्मेंस इस छोटे थिएटर से हटा के शियानशी ग्रैंड थिएटर तक पहुंचा दी। उसने कहा शंघाई ओपरा पेकिंग ओपरा से अलग है और बाकी रचनाओं से भी। वो मेरी मदद करने की सोच रहा था, पहले हमें उसे एक नया नाम देना पड़ा। मुझे कौन क्यू ओपरा बाकियों से बेहतर लगा और हमें एक मिलता जुलता नाम मिला, शेन क्यू। और वहाँ से इस रचना का जन्म हुआ और मैं उसकी रानी बन गई, लेडी कैसिया। मिस्टर वॉन्ग, आपने सचमुच केसिया की तकदीर ही बदल दी है।
सच कहूं तो लॉर्ड चैंग आपको दिल खोल कर दुआएं दे रहे होंगे। जानता हूं। जियांग यांग टेंपल की जमीन के बारे में क्या ख्याल है? हमारे साथ पहले की तरह काम करना चाहते हो या नहीं? बेशक, क्यों नहीं। गुड। लेकिन मुझे अपनी टीम से भी इस बारे में बात करनी पड़ेगी। शुक्रिया। सब्र ना रख पाना मेरी कमियों में से एक है। 2 days and 48 hours, क्या ख्याल है? देखिए, बिल्कुल। ये हुआंग नाम का आदमी, मैं जहां भी जाता हूं मेरे रास्ते में आता है। आपको पता है, मैंने लू शियांगलन से प्यार किया, लेकिन उसने उससे भी शादी कर ली। उसने कैसिया को भी मुझसे छीन लिया। मैं ये नहीं भूल सकता। हमने उसके समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। अब उसके कमाई के जरिए खत्म हो चुके हैं। और बहुत ही जल्द वो हमसे भीख मांगने आएगा। माल तो बहुत अच्छा है। वहां देखिए, तेरे जल्दी करो, चलो चलो। इनको कैसे पता चला? तो शंघाई ओपेरा में इंटरेस्ट क्यों है? ये जॉनरा अभी भी नया है, इसमें काफी कुछ करने को है। हम प्लेस को काफी अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो लोगों के लिए काफी अलग होगा। इसके पीछे जनरल लू का हाथ। लोग इसे देखकर बहुत खुश होंगे। आइए। आज की रात। हाँ, म्यूनिसिपल पुलिस के चीफ को और पुलिस ब्यूरो के जनरल को इत्तला करो, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। हमारा माल मिल गया है, शहर पहुंचने से पहले उठा लो। रुको, है वो कहां जा रही हो? छोड़ो, रुक जाओ, जाने दो मुझे। रुको, से कहां है वो? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वांग को पता चला तो उन्हें लगेगा तुम उनके खिलाफ हो। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक हो? हाँ था, क्या बदतमीजी थी। जी आचे, सुनो, कैसे भी करके उस लड़की को उसके पुराने प्रेमी से मिलाओ। पापा, आज रात ओपियम का सौदा हो जाएगा। लेन देन हुआंग के इलाके में होगा। मैं अमेरिकन क्लब में रहूंगा सौदा तय करने के लिए। तुम जरा अपने आप को संभालना। चिंता मत कीजिए पापा, कैसिया मेरी ही होनी चाहिए। उसका क्या करोगे? उससे शादी करूंगा। क्या कहा तुमने? उसे मेरी बीवी बनाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई पापा? तुम जानते हो वो कौन है? वो बस एक एक्ट्रेस है। बस बहुत हुआ, उसे संभाल पाओगे? हाँ संभाल पाऊंगा। तुम्हारी
दिन गिनने शुरू कर दो। ध्यान से उसके पीछे रहो। सेक्शन यारॉन के आदमी सारा। मास्टर हुआंग, काम हो गया। आओ नाश्ता कर लो। नहीं शुक्रिया। वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। जिंदगी में पहली बार किसी को ऐसे वक्त पर मारा है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, थोड़ी नींद ले लो, कल ऑफिस में मिलेंगे। तुमने किसका खून करवाया? थर्ड मिस्ट्रेस और लू के बेटे हुआंग, सुनो, उन्हें मारना सही नहीं था। तुम्हें यह सब मजाक लगता है? शंघाई पर राज करना इतना आसान नहीं है। खून तो तुम्हें बहाना पड़ेगा, और यहां पर कोई कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं चल रहा है। तुम दोनों पर मैं भरोसा करता हूं, इसलिए जान लो मेरे पास वक्त कम है। मेरे दुश्मन मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं। किसकी गोली मुझ तक पहुंचे पता नहीं।
क्या शंघाई में मरने या मारने से ही ताकत मिलती है? लॉर्ड चांग ने भी कहा था, बिना दया किए मारो। क्या समस्याओं के हल निकालने का बस यही एक तरीका है? आपके बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जनरल युआन के खिलाफ हमारे मोर्चे ने मेरे बेटे की जान ले ली, लेकिन कल मेरे सिपाही शहर को घेर कर हुआंग को पकड़ लेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पर दबाव पड़ेगा, वो कभी हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या कोई और तरीका है? हमारे पास पहले से एक नया प्लान है। हमारा पीछा कर रहा है। उस तरफ मत देखो। कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है। वो चाहता मैं मैडम मशीन से कुछ ना कहूँ। हर किसी को बीवी का डर है। शंघाई तो सच में तुम्हारा है, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? खुद से ज्यादा। हमारे आदमी आ चुके हैं। हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है? मिस्टर जेनसन, आपके 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। धमकी दे रहे हो मुझे? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं आपको बस प्यार से समझा रहा हूं। मिलते हैं। हिलना मत। केसिया, आज कुछ उदासी लग रही हो, आखिर बात क्या है? कुछ तनाव है क्या? सब लोग कहते हैं कि वो लॉर्ड ऑफ शंघाई है, पर यकीन नहीं होता वो इतना घटिया है। क्या बात है? इस थिएटर को जरूरत है 2500 सिल्वर डॉलर्स की, बहुत सी चीजों के लिए, पर केसिया, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वैसे भी चाइनीज में कहावत है कि खुशियों के साथ साथ दर्द को भी बांटना चाहिए, और केसिया वैसे भी हम दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। तुम बहुत अच्छे हो,
तो चलो तुम्हारी मुसीबत को कम कर दिया जाए। वो फिर से जीत गया। नजरों से दूर हो जाओ। सुना नहीं तुमने? देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत तुम लगती हो। बिल्कुल मैडम शिन की तरह तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हारी खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास एक भी अल्फाज नहीं है। क्या तुम्हें सच में ये डील करनी है? शंघाई में हर चीज एक डील ही है। मेरे करीब आओ। मिस्टर जैनसन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? कैसी है? बाहर जाओ। अब सुनो, जियांग टेंपल वाली जमीन अब मेरी है। तुम सपने देख रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है। आचे, व्हिच वन विल इट बी मिस्टर जैनसन? तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तुम मुझे गाली देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है, हम बात कर सकते हैं। अब हटो यहां से। साइन करो। जनरल लू, व्यांग फ्यू ने सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। आप कुछ कीजिए। वहीं रुको, मैं अपने आदमी वहां भेजता हूं। ठीक है। जैनसन मर चुका है, उसका खून हो गया, छाती पर दो गोलियां। जैनसन को क्यों मारा? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। तो फिर किसने मारा?
कोई ऐसा जो मेरी जान के पीछे पड़ा है, पुराना दुश्मन। बहुत ही बुरा है एक बच्ची के लिए, इसलिए मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया। मैंने सुना है जेनसन को तुमने ठिकाने लगाया। ये चेक आपके लिए। ये किस लिए? लिली को वापस पाने के लिए। उसको जिंदा देखने वाले तुम आखिरी इंसान थे। तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें तो काफी कुछ पता है। जेनसन को आखिरी बार देखने वाला उसका कातिल था, जिसने भी जेनसन से फोन पर आखिरी बार बात की थी वो। मैं चाहती हूँ लिली अब मेरे साथ रहे, उसे मेरी जरूरत है। मैं समझती हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तुम और जनरल लू जिंग गैंग टेम्पल की जमीन हथियाना चाहते हो। मैंने सुना है कि ऑफिसर थॉमसन की इन्वेस्टिगेशन कॉल रिकॉर्ड्स तक पहुंच चुकी है। पहले लॉर्ड चैंग और अब मिस्टर जेनसन दोनों नहीं रहे। अब तुम जानती हो कि अगला नंबर किसका आने वाला है। मैं जानती हूं कि इन सबका कातिल कौन है। किस्मत और साथ नहीं देगी। I'm sorry। शायद मेरी किस्मत में यही है। मैडम चाओ, आप मेरी मेहमान हैं, लेकिन हुआंग मेरा दुश्मन है। तुम उससे नफरत क्यों करते हो? उसे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि वो हुआंग है, उसे मरना होगा। काउंसलर, देखिए इसे हुआंग को बचा लो। और कैसे कोई, यह हमला जनरल लू ने किया है।
सो जाओ। तुम आ गई। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा, लेकिन हर अच्छे इंसान को अच्छी नींद की भी जरूरत होती है। सवेरे सवेरे मैं तुम्हारे साथ होंगी। मुझे मौत का डर नहीं है। कई साल बीत चुके हैं, अब और नहीं। कैसिया, पता है जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे जिंदगी का एहसास होता है। ऐसे आंसू मत बहाओ। वो लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे मरने के बाद ही वो शंघाई पर अपना कब्जा जमा पाएंगे। लॉर्ड चैंग के मरने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। तब सत्ता मुझे मिली। आज मैं जो भी हूं और जहां भी हूं, उसकी वजह सिर्फ लॉर्ड चैंग ही है। तुम पर किसी का एहसान नहीं है। मैं ही उनकी मौत की वजह बना। ये सच नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस। मैडम शिन, केसिया मुसीबत में। क्या कहा? उसे छोड़ना होगा। चाइनीज काउंसिल ने कहा है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। किसने कहा ये? मैंने जेनसेन को मारा। क्या बात है, क्या बच के निकले हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया, इससे अच्छी तो मौत है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें लौटा दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम उसे यहाँ से दूर भेज दोगी। हम किसी को पता नहीं लगने देंगे कि वो कहाँ चली गई है। तुम बड़ी हो गई हो, याद रखना आज से तुम्हारा सरनेम चैंग है। तुम्हारे असली पिताजी लॉर्ड चैंग थे और तुम्हारी माँ लेडी केसिया। ये बात तुम हमेशा याद रखना बेटी। Thank you.
तो मेरे साथ ये खेल खेलना चाहते हो? मुझे वो वापस चाहिए इसी बात। इस शहर में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है ढूंढ करने का। मुझे डर है हमारे पास 2 दिन नहीं है, तब तक उसे मार देंगे। सुनो सुनो, उपरा के स्टार को किडनैप कर लिया। ये खबर लोगों के सामने आ गई है, अब सबको पता है। क्या तुमने अखबार देखा? हाँ, हमने देखा है। हमें उसे बचाना होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर हुआंग। शंघाई म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते आप उन्हें फिरौती की रकम नहीं दे सकते, भले ही आप उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 और दिन है, वरना वो नहीं बचेगी और सबके सामने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी पूरे शंघाई में। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। वक्त क्या हुआ है? जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? और कोई तो नहीं दिख रहा, सिर्फ एक लड़की दिख रही है, वो भी कैसिया जैसी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। आखिरकार सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मेरा वहीं इंतजार करना, गलत वक्त पर गोली मत चलाना। ये आखिरी मौका है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
आज मैं जो भी हूं उसकी वजह सिर्फ लॉर्ड चैंग ही है। मैं ही उनकी मौत की वजह बना। उनके कत्ल की साजिश में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल था। यह तलवार उस इंसान को देना जो तुम्हारी रक्षा करे। हॉन्ग के लोगों में से एक गद्दार है। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? मैडम केसिया। लॉर्ड चैंग ने मेरी बाहों में दम तोड़ा और अपनी आखिरी सांस में उन्होंने कहा कि हॉन्गमैन में एक गद्दार है। कौन था वो? हॉन्ग फ्यू। और ये उसने मुझे खुद बताया। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी जगह लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉन्ग फ्यू कभी ऐसा करेगा। अब वो मर चुका है और उसकी मौत ही उसका प्रायश्चित है। उसे मारकर मैंने लॉर्ड चैंग को दिया वादा पूरा किया। इतना सब होने के बावजूद भी मेरा मन दुखी है। लॉर्ड चैंग ही एक सच्चे हीरो थे, पर फिर भी वो अपनी मौत का अनुमान नहीं लगा पाए। जब हॉन्ग हॉन्गमैन पर राज करने लगा, तब उसने बुरे लोगों का रास्ता आसान कर दिया। किस्मत हम सबके साथ खेल खेलती है। एक गरीब बड़े पैरों वाली लड़की को शंघाई के दो लॉर्ड्स के साथ जोड़ दिया और उसी से मुझे प्यार और न्याय की समझ आई और मौत को भी करीब से देखा। अंधेरे और खून की धाराओं को बहते हुए देखा और एक नदी को खून की नदी बनते हुए देखा। किसे पता था हॉन्गमैन जाने वाला रास्ता इतना मुश्किल होगा और कौन होगा शंघाई का अगला लॉर्ड? Oh, you're so young, so far, 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 so far,